अरे पहला पार्ट हमने किया है फाइनेंसिंग का, फाइनेंसिंग करने से हम क्या कर सकते हैं, इतनी जरूरी है फाइनेंसिंग का। दूसरा पार्ट किया हमने ये डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज आती है, लाइक इसमें आता है नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, एसईओ आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग इसी का पार्ट है, ई कॉमर्स के ज्यादा टूल इसी के पार्ट है। इसके बाद हम फोर्थ थर्ड पार्ट रिमूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, यानी हर एक प्लेटफॉर्म का फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। आप देखें बेसिक सीख भी काम कर सकते हैं, लोग एडवांस की तरफ क्यों मूव करते हैं, ये एडवांस डिग्री क्यों लेना चाहते हैं, उस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं, तो उस तरह मूव करते हैं हम आगे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप। नंबर वन, आप लोग जितने भी स्टूडेंट बैठे हो आप किससे मुंसलिक हो, कोई चीज खरीदते हो, आप लोग कपड़ा पहनते भी हो, घर की जरूरियात भी है, वो सब चीज किसमें शिफ्ट हो चुकी है, वो डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट हो चुकी है। हद तक यहां तक अब डॉक्टर भी घर आ जाता है, वो भी इसी का कमाल है। नंबर वन। नंबर टू इसके अंदर ये है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप लोग जानते हैं हर चीज फूड पांडा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ले लें। फूड पांडे के बाद आप इंटरनेशनल अगर रिसर्च करें तो वहां पर क्या होता है कि एमेजॉन, ईबे, इट्स, शॉपिफाई, वॉलमार्ट तकरीबन 100+ प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज दे रहे हैं। क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो घरों में सामान पहुंचा देते हैं, अतः यहां गाड़ी भी घर भेज देते हैं, वो भी किसके अंदर आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग ही आता है, अंदर आता है। लेकिन इन वेबसाइट को जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं ई कॉमर्स के, अब ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए, ई कॉमर्स का पहला प्लेटफॉर्म तो आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, अब ये मुंसलिक इससे है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आप लोगों को वेबसाइट चाहिए, ठीक है। आगे ये वेबसाइट इससे मुंसलिक है, ये एक अलग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब वेबसाइट को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए, आप लोगों को डिजाइनिंग चाहिए, आप लोगों को कंटेंट चाहिए, आप लोगों को उसके ऊपर डिफरेंट अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चाहिए। सबसे पहले डिजाइन करेंगे आप जो आपके पिक्चर वगैरह लगेंगी, अब ये अटैच क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, अब ग्राफिक डिजाइनिंग इससे इंगेज है। अब इसको अटैच करने के लिए क्या चीज चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट होगा तो पोस्ट बनेगी, ठीक है। कंटेंट के बाद आप लोगों को क्या चीज चाहिए, कंटेंट के बाद आप लोगों को लोकेशन आ गई, नंबर आ गया, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये अब ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज बन गई है, अब इसको बूस्ट करना है, इसको टॉप पर लेकर आना है, उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए एसईओ चाहिए होता है, एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब यहां से मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग इसका पहला प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग किससे इंगेज होती है, ई कॉमर्स जितने प्लेटफॉर्म है उससे अटैच है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, तीसरा चाहिए वेब डेवलपमेंट चाहिए। अब वेब डेवलपमेंट चलाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग यहां पर भी काम करता है और यहां पर भी काम कर रहा है। इस ग्राफिक डिजाइनिंग को तैयार करने के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए ये डेस्टिनेशन होना जरूरी है। जब ये चीज मौजूद होगी इसको बूस्ट करेंगे, बूस्ट करने के लिए आपको एसईओ चाहिए, ठीक है। ये जो पांच चीजें आपको बताई थी मैंने कोर्स में, यहां पर बेसिक ला जाएंगे, इसको एडवांस तरह मूव करेंगे, ये पूरा एक फॉर्मूला से अटैच है, जुड़ा हुआ है। आगे क्या मैं आगे जो आने वाला दौर है, हर किसी का आपको फेसबुक आईडी बनी हुई है, पहले हमने अपनी आईडी बनाई थी, आगे बिजनेस चल रहे हैं, सरिया की दुकान है, सीमेंट की है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, अकेडमी है, अब वो किस तरह मूव कर रहे हैं इन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप किस तरह मूव करेंगे, ऐप से की तरफ, ऐप से किसे भेजोगे वेबसाइट, ये चीजें मूव कर लेंगी, यानी ये चीजें शिफ्ट होने के लिए सिर्फ शिफ्ट नहीं होगी, इसके लिए बंदे चाहिए, वो बंदे कौन है, वो हम है, वो आप है, उसके लिए अभी से ही हम तैयारी कर रहे हैं, यानी हम बहुत पीछे हैं। अगर हम इंडिया का कंपेरिजन करें, हमारा पड़ोसी कंट्री है ना, वो ये चीजें छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, वो इससे एडवांस लेवल पर जा रहा है। यूट्यूब का सीईओ कौन रहा है, इंडियन रहा है, गूगल का सीईओ कौन रहा है, इंडियन रहा है, यानी वो चीज इन चीजों से गुजर गए हैं, वो चीजें हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आज ये आ रही है चीज, आगे ये किस तरह मूव करेगी, इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, वो यही होंगे, वो आप लोग होंगे। लेकिन बेसिक अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हो
इस बेसिक से अपना बेसिक से इस एडवांस पर मूव करना होगा, जिसको मैंने 6 मंथ के लिए प्रोग्राम बताया वो इसी में अटैच है। ये पार्ट 2 था आप लोगों का, पार्ट 3 सॉरी। अब यहां तक क्वेश्चन हो आप लोगों का, एनी क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, सब कुछ समझ आ गई है। देखिए जब वेब डिजाइन या वेब डेवलपमेंट का जिक्र आएगा उसमें डोमेन भी आ जाएगी, उसमें होस्टिंग भी आ जाएगी, ये उसी का पार्ट है, वो एक कोर्स का हिस्सा है। ये मैंने जस्ट वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ई कॉम वो चीजें बताएंगी, वो आपके कोर्स का पार्ट है, वो एक स्पेशल पार्ट नहीं है। कोई और क्वेश्चन, शाबाश, आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो क्लियर होगी। कोई और क्वेश्चन, अब ये स्किल्स के लिए आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, इस स्किल्स के लिए आपकी एज मैटर नहीं करती, किसी भी एज का किसी भी डिग्री का बंदा ये स्किल कर सकता है, सबसे बड़ी ये चीज ये है इसके अंदर। अब मैं आपने मैं बताता हूं, मेरे खुद स्पेलिंग गलत होती है लेकिन मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं, तो इसलिए इस चीज से आप नहीं घबराना, मोटिवेट रहना है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली काम है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें करनी है अगर आप इस फील्ड में मूव करना चाह रहे हैं तो। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ सकता हूं आप में से, आप बताएं मुझे क्या बताया मैंने इस पार्ट के अंदर। ओके ओके शाबाश, ठीक है शाबाश। अच्छा ये था कोर्स का पहला कंटेंट, हमारा फ्रीलांसिंग था, दूसरा था हमारे जो कोर्सेज है उसके बारे में, तीसरा था डिजिटल मार्केटिंग बेसिक, और फिर एडवांस में क्या चीजें आनी है, ये एडवांस तरह मूव किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें आप लोग यहां पर आए हो स्किल सीखकर अर्निंग की तरफ मूव करना चाहते हो, आप लोगों को दो चीजें चाहिए होते हैं। फिर देखें स्किल सीखने के बाद आप लोगों को मार्केट भी चाहिए, ठीक है, मार्केट भी चाहिए। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आगे मूव करना चाह रहे हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं आप में से? ओके, समझ आ गई सबको? आप लोग इजी और मुझे बताएं, जिनको समझ नहीं आ रही मैं रिपीट कर दूंगा, यहां पर चीजें वादे नहीं होंगी तो आगे क्लास आप लेना मुश्किल हो जाएगी, यहां पर चीजें वादी होंगी तो क्लास लेनी आपके लिए आसान होगी, तो इसलिए आप लोग आगे कितना मूव करना चाह रहे हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं आगे मूव करके स्किल की तरफ आऊं, तो आप लोग ये माइंडसेट बना लें मैंने इसी फील्ड में काम करना है, ठीक है। और इसी फील्ड से इस फील्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम इंटरनेशनल सर्विस दे सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल सर्विस देंगे उस वक्त क्या होगा, वहां की इनकम पाकिस्तान में आएगी, हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। आपको पता है दुनिया कितने, पाकिस्तान जो है कितनी स्टेज पर आता है या कितने नंबर पर आता है इस अपना डिजिटल सर्विसेज के अंदर, कोई बता सकता है? पहले थर्ड पर था, अब सेकंड पर आ गया है। दूसरा बड़ा कंट्री पाकिस्तान है दुनिया का जो इंटरनेशनल सर्विस दे रहा है, लेकिन लेबर में टॉप रेटिंग में नहीं, टॉप रेटिंग में इंडिया है, दूसरे कंट्रीज है, लेबर के अंदर पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर आई थिंक फिलिपाइन है कि इस तरह कोई कंट्री है, अफ्रीकन है। और ये पाकिस्तान क्यों आया है, क्योंकि हमारे मोस्टली लोग ऐसे हैं जो स्किल से घर बैठ के सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उनमें से आप लोग भी हो सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी आप लोगों का अप्रोच है वो ये है, यहां पर मार्केट के अंदर पहले बताया 90% लोग ये काम नहीं करवा रहे, आगे उनकी जरूरत है, वो आप लोगों ने करवाना है, आप लोगों ने करना है, ठीक है, उसके रिसर्च करना है, उसको वर्क करना है। जॉब के लिए हम क्या जाते हैं, मार्केट में जाते हैं ना ढूंढने के लिए, इसके लिए भी हम मार्केट को ही इंगेज करेंगे। और ये वन टाइम क्लाइंट आपका दूसरा क्लाइंट के साथ साथ आप इजीली घर बैठे एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, लेकिन इस स्किल को मजबूत करने से, बेसिक से ये चीज होगी आपको पता चल जाएगा, काम करना आ जाएगा, लेकिन एडवांस से ये हो जाएगा आप प्रोफेशनल फील्ड में आ जाओगे। प्रोफेशनल फील्ड में ये होता है कोई भी इश्यू होता है आप खुद सॉल्व कर लोगे, बेसिक से ये होगा क्लाइंट भी पकड़ लोगे, प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब इश्यू आएगा एरर आएगा
आप लोग रुक जाओगे। इसलिए आप लोगों ने ये ऐड करना है कि आज ये रात कर रहे हैं बेसे का, हमने एक अच्छा वक्त लगाना है और इसको प्रोफेशनल फील्ड की तरफ लेके आना है। कोई और क्वेश्चन किसी बारे में कुछ पूछना चाहे? जी वेब डिजाइन जो है वो सर ऐसे साहब मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन का मेरे से पूछ सकते हैं? इंटेंट एडवांस के अंदर, एडवांस के अंदर ईमेल मार्केटिंग भी है, इंटेंट मार्केट भी है, और एसईओ भी है उसके अंदर, और एनालिटिक मार्केट भी है, वेब प्लानिंग भी उसका पार्ट है, ब्लॉगिंग भी उसका पार्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उसका पार्ट है। एडवांस कोर्स के अंदर जो 6 मंथ का डिप्लोमा जिसे कहते हैं, जिसको सर्टिफिकेट का नाम दिया हमने बी लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बी लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट का नाम है, डिप्लोमा है पूरा। कोई और क्वेश्चन, कुछ और पूछना चाहे आप लोग, कुछ कन्फ्यूजन हो, चीजों को पता चल गया है? वर्किंग इसका ये ओरिएंटेशन क्लास थी, इसमें जस्ट चीजें बताई गई है, इंट्रोडक्शन बताया गया है, काम किस तरह करना वो बताया गया है। वर्किंग आपकी नेक्स्ट क्लास से होगी, आप लोगों को शेड्यूल में शेयर कर देता हूं मंडे और थर्सडे, ये चैनल है मंडे और थर्सडे टाउनशिप में आपने इकबाल अलाम इकबाल में क्लास हुआ करेगी, और ये रेगुलर क्लास आपके 16 अगस्त से होनी है इस कैंपस के अंदर, आपकी क्लास ही होनी है साथ वाले कैंपस में जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो 14 अगस्त को हमारे इस कैंपस की ओपनिंग है, 2 बजे का वक्त, 1 बजे 2 बजे का वक्त दिया गया है, 14 अगस्त को ओपनिंग है इस कैंपस की, 2 बजे का टाइम है। तो आई होप सो आप भी शिरकत करेंगे इसके अंदर, और अपने दोस्त फ्रेंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी बिल्कुल बुलाएं, और इसके अलावा 16 अगस्त से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। मजीद टाइम टेबल जो होगा, शेड्यूल होगा, वो क्लास ग्रुप बन गया है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास ग्रुप में ऐड ना हुआ हो अलामा इकबाल कैंपस में आकर करके बता सकता है, कोई ऐसा इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आप और पूछ सकते हैं। ये आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी, ये शेड्यूल आपका क्लास मजीद ग्रुप के अंदर आ जाएगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का कन्फर्म हो गया है ये टाइम टेबल होना है, शाम 5 बजे।